फांसी पर लटकने से पहले गुलाम और शिवानी की ये आखिरी मुलाकात है। आखिरी बार शिव को साक्षी मानकर गुलाम ने शिवानी को गले से लगाया है। रंगीला ने शिवानी से मांगी है माफी और गुलाम की इस बेबसी ने शिवानी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। आखिर मालिक का आदेश जो ठहरा। गुलाम तो बहरमपुर में भरे हुए हैं पर रंगीला जैसा गुलाम नहीं है, क्योंकि वो और सिर्फ गुलामी नहीं और मालिक का वो रिश्ता नहीं है, जबकि वो बचपन से जो रिश्ता उसका और रंगीला और वीर का रहा है वो दोनों भाइयों से बढ़कर रहा है, दोनों दोस्तों से ज़्यादा चहेता रहा है और हर दोस्तों से ज़्यादा चेता रहा है और बहुत ही अनसेड एक ब्रदरली लव है जो उनके बीच है और वो कैसे बाहर आता है इस मोमेंट पे वो आपको देखना पड़ेगा, वो मज़ा आएगा आपको देखने में। आज गुलाम शिवानी से घर लौट कर आने का वादा नहीं कर सकता। और हाँ, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। गुलाम की फांसी की तैयारियों के बीच शिवानी हो गई है किडनैप। ये बतू बहुत आराम से कमरे में बैठ के रंगीले की फांसी। अभी क्या है, अभी मैं खुद ही चाहता हूँ कि मैं फांसी पे लग जाऊँ। बहुत हो गया यार, इतना परेशान हो गया हूँ, आए दिन कहीं ना कुछ करवाते रहते, मैं खुद थक गया हूँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ मरने। बस उसके बाद मैं अगले जन्म में राजा बन के आऊँगा, सब पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। वैसे गुलाम मानसिक तौर पर मालिक के लिए जान देने को तैयार है, अब कोई ट्विस्ट ही गुलाम को फांसी से बचा सकता है। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।